बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इंजीनियर उस्मान खालिद हूँ और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग राइट शिफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स क्या करेंगे, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो सर्किट आपका जो सीरियल डाटा है अगर उसको राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे तो उसको हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। हमारे पास जो सिंपलेस्ट जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है कैसिकेडेड फॉर्म में और हर किसी की क्लॉक जो है वो कॉमन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग कह रहे हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और दोनों शेयर कर रहे हैं सेम क्लॉक। यहाँ पे हम लोग इनपुट पे सीरियल डाटा हम लोग इनपुट पे सेंड कर देंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग ये डाटा सीरियली सेंड करना चाहते हैं जिसके अंदर 2 बिट डाटा है। अगर हमारे पास 2 बिट डाटा है तो हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और मैं अगर फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मेरे पास इनपुट डाटा है 0 1 की फॉर्म में और मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट शिफ्ट में आपका डाटा इनपुट पे सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा। डी फ्लिप फ्लॉप का जो करेक्टरिस्टिक टेबल है वो हमें कहता है कि जो भी डाटा इनपुट पे होता है वही आउटपुट पे आ जाएगा जब हमारे पास क्लॉक की एक राइजिंग पल्स आएगी। तो क्लॉक की राइजिंग पल्स पे ये जो 0 है ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, और इनपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा सीरियली इन है तो इनपुट डाटा चेंज हो गया, हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट राइजिंग एज हमारे पास जब आएगी, क्योंकि ये दोनों क्लॉक कॉमन है तो हमारा डाटा ये जो डी जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी इनपुट पे 0 है, आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखें कि इस जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी इनपुट पे हमारे पास 1 है, ये आउटपुट पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आप लोग देखें अगर इसको, तो ये आपका डाटा क्या हो रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो आउटपुट आ रही है सेकंड फ्लिप फ्लॉप की वो 0 आ रही है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो 1 आ रही है। इसी तरह अगर हम लोग फोर बिट डाटा देखें, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर देखें, तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे कैसिकेटेड फॉर्म में और इसकी क्लॉक भी कॉमन होगी इस पॉइंट के साथ, और लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक और फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा और इसकी क्लॉक कॉमन होगी हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डाटा सीरियली शिफ्ट होता है राइट साइड पे या नहीं। मैं डाटा कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारे पास 1010 डाटा है जो हम लोग सीरियली इन कह रहे हैं। सीरियली इन से क्या मुराद है, 1 बिट एट अ टाइम। सीरियल हम लोग कहते हैं, सीरियल डाटा 1 बिट जो प्रोसेस करते हैं हम लोग उसको सीरियल डाटा कहते हैं, जबकि पैरेलल में आपका कंप्लीट डाटा लोड हो जाता है, एक ही पॉइंट पे आपका कंप्लीट डाटा आउटपुट पे आ जाता है। तो सीरियली 1 बिट इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में हमारे पास 1 आएगा, और जैसे ही हमारे पास राइजिंग आ जाएगी ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट राइजिंग एज पे हमारे पास क्या होगा, ये 1 आपके पास जो है ये शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे और इस पॉइंट पे ये 1 चेंज होके हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनपुट डाटा है नेक्स्ट बिट देखें हमारे पास क्या 1 आ रही है, तो ये चेंज होके 1 हो जाएगी, इस पॉइंट पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइजिंग एज पे ये डाटा क्या होगा, आप लोग देखें सबकी कॉमन है क्लॉक और ये जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी, ये जो 0 है ये ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे, इस पॉइंट पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये जो आप ग्रीन कलर में 1 देख रहे हैं ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा।
लास्ट में कह देता हूँ, हमारे पास ये जो जीरो है ये हमारे पास सीरियली इन हो रहा है हमारे सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे जब राइजिंग एज आएगी तो राइजिंग एज पे ये वन ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे पास इस पॉइंट पे वन आ जाएगा और ये कंप्लीट डाटा आपका शिफ्ट हो रहा है। देखें आपके पास सबसे पहले डाटा था 0101, ये हमारे पास डाटा है। हम लोग इसको जब शिफ्ट कर रहे थे तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ गई 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास आउटपुट आ गई 1 0, उससे नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास आउटपुट आ गई 101, और लास्ट स्टेज में हमारे पास आउटपुट आ गई 1011। तो आप लोग डेटा देखें, इस 1 को देखें तो ये किस तरफ जा रहा है, राइट साइड पे मूव हो रहा है। इस वजह से हम लोग इस रजिस्टर को राइट शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, डाटा हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 8 बिट्स हैं तो 8 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, और वो कैसिकेडेड फॉर्म में इसी तरीके से हम उनको कनेक्ट कर देंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिमिलरली हमारे पास अगर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, अगर मैंने 4 बिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो मैं फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा कि मेरे पास जो आउटपुट आ रही है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, ये मैं इसको कह रहा हूँ इनपुट है, इसकी आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन जाएगी, ठीक है। और जो राइट शिफ्ट रजिस्टर था बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करेंगे, यहाँ से हम लोग सीरियली डाटा प्रोवाइड कर देंगे और इसके साथ हम लोग यहाँ पे कॉमन क्लॉक यूज कर लेंगे। इसको भी हम लोग 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर देख लेते हैं, 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, इसकी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे आ गया और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई। हम लोगों ने इसको सिंपली इन्वर्ट कर दिया, जो राइट शिफ्ट रजिस्टर था उसी सर्किट को हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्ट करके ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं इनपुट डाटा दोबारा से देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1101 मेरे पास डाटा है, मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, जैसे ही क्लॉक की राइजिंग आ जाएगी 1 नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। दोबारा जब हमारे पास राइजिंग आ जाएगी तो ये वाला 1 जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, और जो नेक्स्ट ये जो 1 था ये हमारे पास इनपुट पे अवेलेबल है, ये शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ रही। फर्दर हमारे पास इनपुट जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट राइजिंग एज पे ये 1 शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, और ये जो आप 1 देख रहे हैं ये शिफ्ट हो जाएगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, और जो इनपुट पे 0 आ रहा है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे हमें शो हो जाएगा, और इनपुट पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट राइजिंग एज पे ये ही आपका जो 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा, आउटपुट पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ये वाला 1 आपकी इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये 0 मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये 1 आपके पास इस पॉइंट पे आ जाएगा। अभी हमें इस आउटपुट पे सिंपल 1 मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर हमें एक और राइजिंग एज के बाद हमारे पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, ये 1 तो प्रीवियस आउटपुट थी, नेक्स्ट 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1 1 0 हमारे पास आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर आप इस डाटा को देखें तो ये डाटा किस साइड पे मूव कर रहा है, ये देखें ये 1 इस पॉइंट पे जा रहा है, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट पोजीशन ले रहा है, और ये फर्दर मूव कर रहा है, तो हमारा डाटा लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है।
होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।